चंडीगढ़ प्रशासन से अपील करूंगा कि कम से कम जो लेबर का जो वेरिफिकेशन है उसको आसान किया जाए। चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा को यहीं से लेबर जा करके उनको सुंदर बनाया, सब जो बिल्डिंगें बनी है ये यूपी बिहार के ही लेबर बनाई हुई है। हमारी ये रही है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ये लेबर चौक है तो लेबरों के लिए एक भवन की मांग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से 7 साल हो गया उस भवन को मांग करते हुए हम लोगों को। जो मजदूरों की बात है, मजदूरों के लिए हर चीज़ में देख लीजिए कि गवर्नमेंट अपने हर चीज़ पर GST लगा के मार लेती है। हम मजदूरी करने जाते हैं, अगर हम 10 बंदे इकट्ठे गए तो अगर हमें 50,000 रुपये हमारा काम हुआ तो 5,000 लोग TDS काट लेते हैं, और हम कहाँ जाएँ TDS लेने किसी से, तो हमारी मजदूरी के ऊपर क्यों नहीं GST जोड़ देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश TV। दोस्तों, इलेक्शन का दौर पूरे जोरों पर है, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और चंडीगढ़ में आने वाले 1 जून को लोकसभा इलेक्शन है। इस समय जो वोटर होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सबसे ऊपर होता है। समाज के हर तबके को वोट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वोट देंगे तो उनके वोट से जो उम्मीदवार हैं वो चुने जाते हैं, और समाज में कुछ तबके ऐसे भी हैं जो समाज का या राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, समाज के उत्थान में वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। क्या उनके उत्थान के लिए ये उम्मीदवार कुछ करते हैं? क्या अपने किए हुए वादे या दावों पे खरे उतरते हैं? आइए, आज पहुँचे हम चंडीगढ़ के लेबर चौक पे और बात करते हैं यहाँ के कुछ मज़दूरों से और पूछते हैं कि कैसे रहे हैं, उनके पिछले जो साल गए हैं, पिछले सालों में जो उम्मीदवार आए हैं, क्या उन्होंने उनके साथ किए हुए वादों को पूरा किया है। आइए बात करते हैं कुछ लेबर के, कुछ मजदूर तबका के लोगों के साथ। सेक्शन वर्कर लेबर का सीनियर उपप्रधान जी। हाँ जी, तो आपने जो आपकी जो एसोसिएशन है इसने मजदूरों के लिए क्या कुछ प्लान किया है यहाँ पे? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज एक मजदूरों के बारे में बात किए, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ तो आते ही नहीं हैं, आप लोग आए तो मैं बहुत धन्यवाद। मजदूर तो जो है वो कहते हैं कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि अगर मजदूर काम करेगा तो देश तरक्की करेगा। जो बड़ा आदमी है कोठी में बैठा है वहाँ, वो आके काम नहीं करेगा, काम तो मजदूर नहीं करना है, मजदूर तो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी देश की, है ना। तो जो हमारी यूनियन है वो जैसे कि यहाँ पे समय समय पे एक कैंप लगवाते हैं हम लोग लेबरों के लिए, और उनको हम लोग बताते भी हैं कि आप हमारा मेंबर बनिए। जो यहाँ सब लोग एक मेंबर, हमने नॉर्मल सी फीस रखा हुआ है जो कि सब लोग दे दें, और आप मेंबर बनो, उसके बाद हम लोग उनका लेबर कार्ड बनवाते हैं, और लेबर कार्ड बनवा के उनको जो भी बेनिफिट होता है, हम लोग वहाँ जाके 30 सेक्टर में वहाँ से सचिन जी हैं और वहाँ डिम्पल मैडम है, सबको हम लोगों ने बता रखा है कि लेबर कार्ड है, इसमें क्या बेनिफिट्स देते हैं आप? जो आपके साथ लेबर वाले लोग जुड़ते हैं उनको क्या बेनिफिट देते हैं आप? इसमें जैसे कि मान लो कोई जिसका बना हुआ लेबर कार्ड, अगर वो अपने लड़की की शादी करता है तो उसको 51,000 रुपया मिलता है। जैसे कोई कारपेंटर का काम करता है या मेसन का करता है, वो 5100 रुपया टूल किट के लिए ले सकता है, पर उसको पहले अपने जेब से खरीद के एक बिल देना होगा, तो वहाँ से 5100 रुपया आपको जो है कि मिल जाएगा। अच्छा, वो मतलब आप उसको ऐसे ही देते हैं काम शुरू करने के लिए, मतलब वो वापसी नहीं करता बंदा है? नहीं, वापसी नहीं करना। अच्छा, हम नहीं देते, वो गवर्नमेंट से दिलवाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से जी। ठीक है जी। और इसके अलावा? और वहाँ पे बहुत सारी स्कीम है, जैसे किसी का बच्चा पढ़ता है तो उसको जो है कि मिलता है पैसे पढ़ने के लिए, और किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई कुछ हो गया, एक हमारे शर्मा जी थे वो एक्सपायर कर गए थे तो उनको 2.5 लाख रुपया हम लोगों ने दिलवाया वहाँ से, पहले जो दिलवा चुके हैं उनको। ठीक है जी। और किसी एक जंगी यादव थे, उनके लड़की का ऑपरेशन था किडनी का, तो उनके लिए भी जो है कि 2.5-3 लाख रुपया वहाँ से मिला था। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे लेबर लोग हैं वो पूरा इसका जो है कि फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसका बन जागरूक नहीं है पूरी तरह से, जागरूक नहीं है जी, और जिसका बन गया है वो वहाँ पे उसके पूरी स्कीम का लाभ नहीं लेता। और कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है लेबर कार्ड बनवाने में, क्योंकि जब से ऑनलाइन कर दिए हैं तो ऑनलाइन में वेरिफिकेशन उनकी नहीं हो पा रही है मजदूर तबके के, क्योंकि एक दिन वो जाता है बंदा कहीं से ऑनलाइन करवाया, 150 रुपया लगता है, ऑनलाइन वाला लेता है, फिर 500 रुपया दिहाड़ी तोड़ के वो 30 सेक्टर जाता है, वहाँ पता लगता है कि आपका तो लेबर कार्ड कैंसिल हो गया। तो मैं चंडीगढ़ प्रशासन से अपील करूँगा कि कम से कम जो लेबर का है जो वेरिफिकेशन है उसको आसान किया जाए। जैसे हम लोग की यहाँ इतनी बड़ी संस्था है कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन, तो कितने मेंबर हैं आपकी इस संस्था में? हमारे पे जो रजिस्टर्ड मेंबर वो 500 हैं, और वैसे तो यहाँ पे 2000 लोग आते हैं, और मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी बहुत मिनिमम फीस है, आप सब लोग अपना यहाँ पे हमारा सदस्य बने, मेंबर बन जाए,
फिर हम लोग जो है कि उसके लिए और उनके लिए बेनिफिट दिलवा पाएंगे। चंडीगढ़ में अभी मिली जुली सरकार है, दोनों पार्टी दमदार है, दोनों पार्टी आपस में लड़ रही है, बशर्ते अगर राज्य में है तो राज्य में भाजपा आएगी, कन्फर्म है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइए, हर बार क्या होता है कि जो लीडर हैं 5 साल में वो आपके पास आते हैं, उम्मीदवार हर पार्टी के आते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, और आपसे बड़े सारे वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं आपको, सारे झांसा देते हैं, यहाँ लेबर के लिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ चौक पे इतना दिन से चौक है, यहाँ पे लेबर सब मरती है, सब अब चंदा लगा कर भेजते रहते हैं, यहाँ पे लेबर के लिए कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी हो। अच्छा आपको मतलब आश्वासन देते हैं कुछ भी नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी लेबर यहाँ, लेबर अभी यहाँ पे देखिए लेबर भवन भी नहीं बना है कोई चंडीगढ़ में। तो आप लोगों ने क्या कभी कोई मांग पत्र रखा है उनके पास? मांग पत्र तो हम लोग बहुत रखे हैं, मगर जब उसको मिलेगा तभी तो सही है। आपके यहाँ जो भी यूनियन बनी है, जो आपके प्रधान हैं, क्या उन्होंने जो उम्मीदवार हैं उनके पास पहुंचाई है बात आपकी? हाँ वो मांग तो बहुत बारीक कर रखे हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं मांग, लेबर लेबर यूनियन के लिए कि लेबर बनाया जा, मगर सरकार देखो क्या करती है क्या नहीं करती। क्या क्या मांगे क्या हैं आपकी वैसे? लेबर के लिए कोई भवन चाहिए चंडीगढ़ में, जैसे कोई भी लेबर है अपना कमाए खाए, क्योंकि लेबर को यही चाहिए और क्या चाहिए, यूपी बिहार से लेबर यहाँ आती है तो अपना कमाने खाने के लिए, उसको थोड़ी सी मान लो कहीं खड़ा साइकिल करने के लिए, गाड़ी खड़ा करने के लिए एक जगह होना चाहिए। चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा को यहीं से लेबर जा करके उनको सुंदर बनाया, सब आज जो बिल्डिंगें बनी है ये यूपी बिहार के ही लेबर बनाई हुई है। अच्छा सरकार बहुत सारे ऐसी स्कीमें चलाती हैं जिससे लेबर क्लास को बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे आटा दाल स्कीम चली थी एक पीछे, उसके बाद अंशमन कार्ड की चली थी, क्या वो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं? नहीं नहीं वो लेबरों को तो मिलता, मान लो छोटा मोटा जो आइटम हो तो लेबर को मिल ही सकता है, मान लो आयुष्मान कार्ड हो गया, जैसे कोई जो अपना लॉकडाउन में अपना आटा दाल चावल था वो भी मिला था। पढ़ाई की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है, ऐसा भी है कुछ? नहीं पढ़ाई तो आज की डेट में अभी तो फ्री ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई ऐसे नहीं लगता कि कोई पढ़ाई फ्री में, क्योंकि बिना जेब से लगाए थोड़ी बच्चा कोई किसी को पढ़ सकता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम गुलाब चंद यादव है। गुलाब चंद जी कितने समय से हैं आप चंडीगढ़ में? मैं तो यहाँ करीब 28 साल से हूँ जी। क्या काम कर रहे हैं आप? मेरा तो कारपेंटर का काम है जी। कारपेंटर का काम है, आप ठेकेदार हैं जी। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए कि पिछले एक लंबे अरसे से आप 28 साल से यहाँ हैं, तो लगभग आपने 5-6 इलेक्शन देख लिए हैं, वोट डालते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी वोट डालते हैं जी। मुझे एक बार बताइए कि अक्सर क्या होता है कि हर 5 साल बाद लीडर आते हैं आपके पास, आश्वासन देते हैं आपको, बड़े बड़े वादे आपसे करते हैं, जो भी आपकी मांगे होती हैं, तो कितनी मांगे हैं जो पूरी हुई हैं आपकी पिछले समय में? ऐसा जी जब से मैं यहाँ पे हूँ तो काफ़ी मांगे तो पूरी हुई है, जैसे यहाँ पे कॉलोनी नंबर 5 थी उसके लिए भी हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, तो वो उठा के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो धनास में दिया गया और मलोया में भी मिला मकान। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई आपकी जो मांगे रही हैं? मांगे हमारी ये रही है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ये लेबर चौक है तो लेबरों के लिए एक भवन की मांग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से 7 साल हो गया उस भवन को मांग करते हुए हम लोगों को, पीछे हम लोग गवर्नर साहब से भी मिल के आए थे तो उसके लिए भी उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि नहीं बनाएंगे। सतपाल जैन जी सांसद थे तब से उनको बोल रहे हैं, किरण खेर जी को भी हम लोगों ने बोला था उनको भवन के लिए, और सभी को किए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई मतलब कि जो ठोस वो है वो नहीं हो पा रहा काम जी। इस बार चंडीगढ़ के जो समीकरण है, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, जो बीजेपी है वो अकाली दल से अलग हो गई है, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, कुछ और पार्टियां भी हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बसपा है, और इसके साथ साथ अकाली दल है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बहुमत ले जा सकती है, कैसे समीकरण बन सकते हैं? ऐसा जी अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस का पल्ला भारी है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, बाकी संजय टंडन जी यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, उनका भी जो है कि काफ़ी मतलब दमदार लड़ाई है, कांटे की टक्कर है जी। आप मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ में आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, कौन सी पार्टी बहुमत ले जा सकती है? समीकरण तो सर भाजपा का ही है। ठीक है जी, जिसका जो मर्जी बोले लेकिन समीकरण यही कहता है, बाकी भगवान जाने। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, आप लेबर चौक पर बैठते हैं, आप लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारी मांग आपने रखी हैं लीडरों के पास, लीडर आते हैं हर 5 साल में, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो पिछले 5-7 साल से, 10 साल से, 25 साल से अटकी हुई हैं? सर मांगे तो मजदूर यही चाहता है कि जो उसका काम किया है वो पैसे मिल जाए, उसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए जो आसानी से उसको उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रशासन उसको सुने। बिल्कुल ठीक। लोग पैसा काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, वो भागा फिरी करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं वो भी नहीं सुनती है, उसको भी पैसे चाहिए, यही समस्या सर बहुत है, और
जो बाहर से मजदूर आते हैं गरीब, उसके लिए लेबर कोड बना है जी, आपने अगर कोई काम किया है? इतनी जानकारियां नहीं है उसके लिए, इसका होना चाहिए कोई सिस्टम जिससे उसको पता लगे कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाए। उससे उसका तो सबसे बड़ा सिस्टम एक ही है, एजुकेशन, पढ़ाई। अगर आप या आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपका जो हक है वो कोई रख नहीं सकता। लेबर कोड किस लिए बना है? रखते हैं सर, क्या करें, मजबूर आदमी दूसरे दिन काम पे जाएगा या दूसरे दिन कोर्ट जाए? एक होना चाहिए जो लिखा पढ़ी के बाद ही काम होए और हाँ। दोनों जिम्मेवार हों कि आपने काम कैसे कराया बिना लिखी पढ़ी के, दोनों के ऊपर होना चाहिए लागू। आप चाहते हैं कि जब भी कोई काम शुरू करें तो उससे पहले एग्रीमेंट हो? बिल्कुल होना चाहिए सर, ये अनिवार्य होना चाहिए, तभी इस देश का मजदूर खुश रह पाएगा, क्योंकि उसकी मजदूरी का पैसा मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसके फिर ही नहीं चाहते कुछ, लेकिन हमारा जो किया है वो कोई दबा ना सके। इसके लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ बनी है, आपके प्रधान हैं, उन्होंने कभी कोई कोशिश की है? सर ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। आपका इतना अच्छा सुझाव है, आपने अपने जो भी यहाँ पे आपके लीडर्स हैं आपने उनको बताया कभी? ये बताते हैं सर, लेकिन अभी अमल नहीं हो पाया है, लेकिन भगवान चाहेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये सरकार बहुत कुछ कर रही है और करेगी भी। जो मजदूर हैं उनके लिए कोई कार्ड बनना चाहिए सर, कि वो आसानी से कहीं से राशन ले सकें। अगर ये हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि हर दुकान पे लूट बजारी है। चावल देखिए क्या रेट है, क्या रेट क्या चल रहा है, वो तो राशन के चक्कर में परेशान हो जाता है। हमारे हिसाब से सर कांग्रेस को बहुमत मिलना चाहिए। चंडीगढ़ से? ठीक है, तो कांग्रेस को क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि सरकार में बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, हाँ जी, बदलाव से ही काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी। और इसके बाद फिर जो मजदूरों की बात है, मजदूरों के लिए हर चीज़ में देख लीजिए कि गवर्नमेंट अपने हर चीज़ पर GST लगा के हमारे से लेती है। हम मजदूरी करने जाते हैं, अगर हम 10 बंदे इकट्ठे गए तो अगर हमें 50,000 रुपये हमारा काम हुआ तो 5,000 लोग TDS काट लेते हैं, और हम कहाँ जाएँ TDS लेने किसी से? तो हमारी मजदूरी के ऊपर क्यों नहीं GST जोड़ देते लोग? बिल्कुल ठीक है, हमें मिलना चाहिए। हम एक ये मोबाइल खरीदने जाते हैं, आगे कंपनी से GST लग के आती है, दुकानदार हमारे से GST ले लेता है, और हम कहाँ जाएं GST लेने? बिल्कुल ठीक है जी। हमारे घर में अगर कनक चावल, कनक या जीरी जो भी उगती है, हम मार्केट में वहाँ पर 22-23 रुपए किलो या 22-23 रुपए कुंटल मान लो, वाजिब बात है, देते हैं। इसके बाद फिर हम वही अगर 10 कदम दूर जाके आटा लेने जाते हैं तो हमें 40 रुपए किलो आटा मिलता है। क्यों मिलता है? हमें GST नहीं मिलती, उल्टा हम GST यहाँ पर उल्टा दे देते हैं इनको। तो एक चीज़ और बताइए, इस बार चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा अकाली दल भी इस बार अलग से इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, बसपा है, और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। किस पार्टी का लगता है कि कौन सी पार्टी बहुमत ले जा सकती है? अब बहुमत ले जाने का तो BJP का ज़्यादा चांस है। ठीक है जी। हाँ, क्यों से उसने कई मतलब गरीबों वास्ते काफ़ी मतलब काम किया है। ठीक है जी। तो जिसके मुँह से सुनो मतलब उसी का BJP का ही। पिछले 10 साल में चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, तो पिछले 10 साल में कोई जो भी काम हुए हैं, मुझे एक काम आप बता पाएंगे प्लीज़? किस चीज़ का? कोई भी जो डेवलपमेंट का काम हुआ हो, जो पिछले 10 साल में कोई अच्छा काम हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ आपके लिए हुआ है, उसका मुझे बताएंगे आप थोड़ा सा? उस तरह तो कोई अभी कोई खास हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन काफ़ी मतलब चेंजेस तो काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी चेंजेस हुआ है, और अच्छा अच्छा मतलब यहाँ पर रोड का भी, हर एक चीज़ का, स्टेडियम का मतलब एक काम हुआ है हमारे देखते हुए, यहाँ काफ़ी काम चंडीगढ़ में भी हुआ है। ठीक है, हाँ, 10 साल के अंदर में काफ़ी काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा होता है कि जो लीडर हैं हर 5 साल में आपके पास आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपसे बहुत सारी आपकी मांगे होंगी, हाँ जी, हाँ जी, जो आप लोगों ने मांगे उनके सामने रखते हो आप, हाँ जी। तो कितनी ऐसी मांगे हैं जो पिछले लंबे अरसे से अटकी हुई हैं, हर बार आते हैं, वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? वो वादा तो कई चीज़ का करते हैं, लेकिन पूरा तो कभी नहीं हुआ है, न कोई भी पार्टी नहीं करने को तैयार है, मतलब वादा तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो मौके पे है वो में दो एक वादा पूरा करते हैं, बाकी सब वैसा ही पेंडिंग में पड़ा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जर एक टाइल पत्थर का काम करता हूँ जी। टाइल पत्थर का काम करते हैं, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हो? लगभग मैं हो गए 15-16 साल हो गए यहाँ। चंडीगढ़ में कितने समय से आप? 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से चंडीगढ़ में। आप वोट डालते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी चंडीगढ़ में बहुमत ले जा सकती है? बहुत सारी पार्टियां हैं चंडीगढ़ है ना मैदान में, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, बहुत सारी और पार्टियां भी हैं, कौन सी पार्टी जो है? अब की बार उम्मीद लग रहा है कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है जी, क्योंकि BJP ने बहुत रोज़गार बंद कर दिया है और लेबर लोग बहुत तंग हो गए हैं,
इसलिए हमारी उम्मीद यही है कि कांग्रेस जीतेगी आपकी। ठीक है जी, आपके हिसाब से इस बार चंडीगढ़ से कांग्रेस जीत सकती है। अच्छा, उसके लिए आप क्या कारण बता रहे हैं? सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि जब से बीजेपी आई है तब से कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ, लेबर से लेकर हर चीज़ का सुविधा नहीं मिला जी। ठीक है, कभी ये हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कहीं दुर्घटना हुआ, उसमें भी सर ये लिए कांग्रेस की बार जीतेगी। कांग्रेस अच्छा काम करी है, 2014 से पहले बहुत अच्छा काम की। 26 साल क्या काम क्या करते हैं आप? मैं अपने फादर का काम संभालता हूँ जी। क्या काम है फादर साहब का? मशीन रेंट पे देते हैं। आप मशीनें रेंट पे देते हैं? हाँ, लेबर चौक पे ही है। हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या समस्या है जो आप बात करना चाहते हैं? सर यही है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। ठीक है, अगर हम फोटो खींच के डालते हैं उसके बाद आते हैं यहाँ पे, एक महीना पहले मैंने फ़ोटो खींच के डाला था, उसके बाद आए थे सरकारी वाले, तब से अभी तक नहीं आए। आप देख सकते हैं पूरा कूड़ा यहाँ जगह जगह पे पड़ा हुआ है, कोई नहीं देखने वाले है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार कूड़े के जो ढेर हैं वो वहाँ दिखाए जाएँ। यहाँ पे कोई नहीं आता, पहले आते थे फिर एकदम ही बंद कर दिया है जी, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता है? तो आप लोगों ने कभी इसकी कोई कंप्लेंट करी? कंप्लेंट मैंने फ़ोटो एक बार खींच के डाली थी, उसके बाद जिस दिन फ़ोटो डालोगे अगले दिन आते हैं, उसके बाद नहीं आते, यहाँ पे कोई नहीं आता। कितने समय से सफाई नहीं हुई यहाँ? यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया सर। फिर भी कितना समय हो गया? महीना हो गया तकरीबन, फ़ोटो डालेंगे उस दिन आएगा। अच्छा, मतलब एक महीने से यहाँ सफाई नहीं हुई, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और स्मेल है, गंदगी है। गंदगी तो सर जो भी है, हम लोग साफ सफाई जैसे अब यहाँ से इकट्ठा किया वहीं के डालेंगे, यहाँ तो कोई डंपिंग ग्राउंड ना, कूड़ादान तो है नहीं कि उठा के डाल दिया। यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं लगे? कुछ नहीं लगा है सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले आते थे साफ सफाई वाले, एकदम ही बंद है अब। हाँ जी, अब यहाँ पे जैसे जगह जगह पे चलान काटते हैं कि यहाँ कूड़ा ना डालो, सर कूड़ा डालने कहाँ जाएगा बंदा? सवेरे जो लेबर का लेबर वर्ग है 6 बजे 7 बजे घर से निकलता है, गाड़ी आती है कॉरपोरेशन की, गाड़ी 9 बजे आएगी आपके, बंदा घर में बैठ के कूड़े का इंतजार करे कि गाड़ियों में वो काम पे जाए अपने। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, क्या मांग करते हैं? जैसे सर अगर जगह जगह पे आप, यहाँ पे 44 में है जगह जगह पे आपने कूड़ा घर बना रखा, आप वहाँ पे एक घर बनाइए, कूड़ा घर बनाइए कि वहाँ पे लोग आके अपना डाल दें, भले वहीं पे सूखा गीले का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, ये भी कर सकते हैं ना, वहाँ से डायरेक्ट उठाएं कूड़ा। हमारे धनास में, धनास में इतनी बड़ी आबादी है, 1 लाख की आबादी होगी, 8.5 हज़ार मकान है, अभी तक वहाँ पे एक बाथरूम नहीं बना हुआ गवर्नमेंट का, पब्लिक टॉयलेट नहीं, पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं वहाँ पे। अभी आपको किसी को लग जाए कहाँ जाएगा पब्लिक, फिर बोलते हैं कूड़ा फैल रहा, गंद फैल रहा, कहाँ वो तो फैलेगा ही जी। अभी आपका घर है, आप अपने घर में चले गए, जो वहाँ पे गया वो कहाँ जाएगा, किसके घर जाएगा? बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे अभी तक नहीं है, वहाँ पे भाजपा आ चुकी, कांग्रेस भी आ चुकी और आप पार्टी भी आ गई, अभी तक किसी ने नहीं बनवाया। यहाँ लोकसभा चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, उम्मीदवार भी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं। ये मजदूर, ये लोग, समाज का वो तबका जो समाज को बनाने में पूरा योगदान देता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे वो किसी भी तरह का मजदूरी का काम हो, उसमें पूरा अपना योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी अभाव में रहते हैं, फिर भी कमियों में रहते हैं। आने वाला समय कैसे रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अर्थ प्रकाश की एक कोशिश है कि उन लोगों की आवाज़ पब्लिक तक या उस अफसरशाही तक या उन लीडरों तक पहुंचा सकें जिनकी आवाज़ शायद कोई नहीं सुनता। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।